फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंक निफ्टी लवर्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह एक मात्र दो इंडिकेटर लगाकर और एक छोटे से टाइम फ्रेम में हम किस तरह से बहुत बड़ा या बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं टर्मिनल की ओर। ये मेरा स्टॉक का टर्मिनल है दोस्तों। इसमें मैं आपको दो इंडिकेटर लगा के दिखाऊंगा और उस पर किस तरह से काम करना है वो मैं बताऊंगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 10 मिनट का। तो हम चलते हैं स्टडीज में, अभी इंडिकेटर लगाते हैं दोस्तों। इंडिकेटर हमारा होगा, पहला जो इंडिकेटर होगा हमारा बोलिंजर बैंड। तो ये हमारा बोलिंजर बैंड है, देख सकते हैं आप, ये बोलिंजर बैंड लग गया दोस्तों। डिफॉल्ट सेटिंग होगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है हमने। अब दूसरा इंडिकेटर हम लगाते हैं ये दोस्तों, जो कि होगा इचिमुकु। इचिमुकु क्लाउड, ये आ गया इचिमुकु क्लाउड में। हम इसका जो सेटिंग तो चेंज नहीं करेंगे, पर इसमें अनवांटेड जैसे ये लाइन से कन्वर्जन लाइन, इसको वाइट कर देते हैं। हमें नहीं चाहिए ये, हमें सिर्फ क्लाउड चाहिए। बेस लाइन को भी हम ये वाइट कर देंगे और लीडिंग स्पैन रहने देंगे, लैगिंग स्पैन हटा देंगे दोस्तों, इसको भी वाइट कर देते हैं। इस ग्रीन को थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि विजिबल रहे, और इसको डन कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा दो इंडिकेटर हमें मिल गया है। तो देखते हैं, देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बाय का दिखा देता हूँ। जब भी बोलिंजर बैंड क्लाउड को क्रॉस करे ऊपर की तरफ तो हम बाय करेंगे, और जब भी बोलिंजर बैंड क्लाउड को नीचे की तरफ क्रॉस करे, ये देखिए एक क्लाउड है इसको नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो हम सेल करेंगे। तो ये है बेसिकली, ये देखिए यहाँ से हमारा बोलिंजर बैंड इचिमुकु क्लाउड के बाहर आ गया कैंडल, साथ ही साथ बोलिंजर बैंड के बाहर भी आ गया। तो हम इस पर, इसको हम सिग्नल कैंडल मानेंगे और इसका हाई हम देख नोट कर लेते हैं, जो कि है 22,338। यहाँ पे देखिएगा आप दोस्तों 22,338। तो 22,338 जब तोड़ेगा तो हम बाय कर देंगे। तो जैसे ये देखिए नेक्स्ट कैंडल ने तोड़ दिया और 22,338 में हमारा बाय ट्रिगर हो गया। और देखिए यहाँ पे कितना मुनाफा मैक्सिमम, ये देखिए 22,338, हाई देखिए कितना मारा है 23,078, यानी के ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स आपको सिर्फ, ये देखिए ये है 7 तारीख और ये भी है 8 तारीख, एक दिन के अंदर अंदर आपको 700 पॉइंट, यानी कि अभी 25 का लॉट है दोस्तों, आप लगा लीजिए, यानी कि 700 पॉइंट यानी कि 17,500 आपका प्रॉफिट हो गया। ये बाय का ये था, और मैं सेल का दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये बोलिंजर बैंड यहाँ पे नीचे काटा, लेकिन बैंड ये बोलिंजर बैंड नीचे आ गया, देखिए यहाँ पे काट के, ठीक है, क्लाउड को भी काट दिया और बोलिंजर बैंड के नीचे आ गया। चलिए तो यहाँ दूसरी कैंडल पे हम मान लीजिए हमने सेल किया है इसको, ये देखते हैं, ये देखिए दूसरी कैंडल का लो कितना है 671, यहाँ पे देखिए 22,671 का नेक्स्ट कैंडल ने ही लो तोड़ दिया, तो 671 पे हमने सेल कर दिया 22,671। देखिए बेहतरीन 71 का, अब देखिए 22,600 ये 21,225 22,671 और 21,771 और लगभग 800 1400 पॉइंट आपको मात्र एक दिन के अंदर। ये देखिए 14 तारीख है और ये कितना तारीख है 10 तारीख है, छुट्टी होगी 2 दिन,
ग्यारह चल रहा है, ये 3 दिन के अंदर 1400 पॉइंट, अब लगा लो 1400 पॉइंट, 1400 यानी कि 25-35 हज़ार रुपये। तो इस तरह से आपको ये देखना है दोस्तों ट्रेड करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे भी, देखिए यहाँ पे भी ब्रेक किया है, ये देखिए इसका लो है 22-25, मैक्सिमम कितना गया, यहाँ पे भी 600 पॉइंट मिला आपको, देखिए 22-25 और ये है 21-24-34, यानी कि 600 पॉइंट। इधर आप कहीं भी देख लीजिए, जब भी बोलिंजर क्लाउड के नीचे आ जाए, बोलिंजर बैंड से क्लाउड के ऊपर चला जाए, बाय यहाँ पे बाय, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ये। केवल मैंने एक बाय और सेल दिखा दिया आपको, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी बात। और चाहे तो इसको बड़ा टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, जैसे कि अभी 1 आवर हम लगा देते हैं, यहाँ पे सेल करना था, यहाँ पे बाई करना था, यहाँ पे सेल करना था, देख रहे हो इस तरह से, यहाँ पे बाई करना था। आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगी बात, ज़्यादा वीडियो लंबा करके कोई फायदा नहीं है दोस्तों। तो आपको समझ में आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे जैसे बाई किया होता कितना हाई 22,516, ये देखिए कितना मारा है 516-700 पॉइंट, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सेल मारा, सॉरी यहाँ सेल मारा, कितने में मारा 21,900, देखिए कितना देख रही है 21,300, यहाँ पे भी लगभग 500 पॉइंट, तो यहाँ पे भी देखिए ऐसा है 21,765, यहाँ पे 765, 3,400 पॉइंट यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे 20,730, देखिए 700 पॉइंट यहाँ पे देखिए। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए और स्टॉक्स में भी इम्प्लाई कीजिए उसको, और आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। इंट्राडे में अगर आप 5 मिनट भी ले सकते हैं, ये देखिए 5 मिनट में तो बहुत, देखिए यहाँ पे सेल, देखिए नीचे कितना चले गए, यहाँ पे बाय, देखिए। तो इस तरह से काम कीजिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी पे दिखाया हूँ, स्टॉक्स पे भी आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी कि इंडिकेटर के क्रॉस ओवर किस तरह काम करना है। इसको हम देंगे नाम इचिमुकु बोलिंजर बैंड क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी, इचिमुकु बोलिंजर बैंड क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी। जब भी बोलिंजर बैंड क्लाउड के ऊपर निकले बाय, जब भी बोलिंजर बैंड क्लाउड के नीचे निकले सेल, याद रखिए। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही होंगी, और इतने दिनों में मैं वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि थोड़ा डिसअपॉइंटेड था आप लोगों से, क्योंकि जो मैं उम्मीद कर रहा था आप लोगों से वो मुझे आप लोगों से मिला नहीं दोस्तों, माफी चाहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों, हो सकता है मेरी ऑडियो, मेरे बोलने का ढंग मेरा उतना बढ़िया ना हो जितना और प्रोफेशनल यूट्यूबर्स जैसे कि बनाते हैं वीडियो अपना, लेकिन कोशिश तो करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे, इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ, और इसको पेपर ट्रेड कीजिए, स्टॉक्स में कीजिए, इंडेक्स में कीजिए, कमोडिटीज़ में कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। छोटा टाइम यूज़ कीजिए, बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए,
छोटे टाइम फ्रेम होगा तो थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, बड़ा टाइम फ्रेम में आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो वीडियो यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को आप भरपूर सपोर्ट और लाइक्स और कमेंट्स देते देंगे। इसी उम्मीद के साथ बाय एंड सी यू वंस अगेन।